नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के दौरान पिछले साल लाल किला कांड के आरोपी दीप सिद्धू की एक्सीडेंट में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकई में हादसा है या कोई साजिश? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों उभर रहा है। वो दिल्ली से वापस लौट के जा रहे थे पंजाब। दरअसल उन्हें SS मान, जो अकाली दल के उम्मीदवार हैं, उनका प्रचार करना था अंतिम दो दिनों में। मलेर टोला वो जाना था उनको, और इसी बीच में ये हादसा हुआ है। सबसे पहले तो वो तस्वीर देखिए जो हादसे के पहले की है। आपने तस्वीर में देखा दीप सिद्धू और उनके साथी बैठे हुए हैं। इसके बाद अचानक ये हादसा होता है जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी जो है ट्रक से में जा करके घुस गई थी, उनकी मौत हो गई है। जबकि NRI जो उनकी गर्लफ्रेंड है रीना राय, उनका इलाज चल रहा है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है। क्या क्या हो सकता है, क्यों ये आशंका जताई जा रही है, कौन मांग कर रहा है इसकी जांच की, जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। दीप सिद्धू के करीबी और सह कलाकार दलजीत कलसी के मुताबिक सिद्धू को SS मान के समर्थन में अंतिम दो दिनों के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होना था। इसके लिए वो मलेरकोटला पंजाब जाने वाले थे। दीप 13 फरवरी को वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए थे, पंजाब लौट रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि KMP पर हादसा हो जाएगा। दीप के एक और करीबी गुरमीत के मुताबिक उन्हें इस घटना पर संदेह है। उनका मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच अदालत की निगरानी में होनी चाहिए। दलजीत कलसी कह रहे हैं कि दुर्घटना स्थल के आसपास की चीज़ें संदिग्ध हैं, हम हादसे की जाँच की मांग करते हैं। हादसे के बाद दोनों को खरखौदा CSC ले जाया गया था। CSC के इमरजेंसी इंचार्ज जो थे उनके मुताबिक रात करीब 9 बजे पहली एम्बुलेंस पहुंची थी, उसमें दीप सिद्धू को लाया गया था, लेकिन जब तक उन्हें यहां लाया गया था उनकी डेथ हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा जा सकता है कि चोट से सिद्धू की मौत हुई होगी। डॉक्टर के मुताबिक दूसरी एम्बुलेंस में उनकी NRI फ्रेंड रीना राय को लाया गया, उनकी कमर में चोट है, उनका इलाज चल रहा है। दीप का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसा कि आपने सुना, ये है परिस्थितियाँ, इसलिए जांच की मांग उठ रही है। अब आपको मैं याद दिलाऊं, वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2021 किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए घुस गए थे, जो उनका तय रास्ता था उससे आगे बढ़ गए थे। लाल किला पे हिंसा हुई थी, आपने उस वक्त के तस्वीरों और वीडियो को देखा होगा, कैसे सुरक्षाकर्मी जान बचा करके खाई में कूद रहे हैं, कैसे वहाँ पर तांडव हुआ था हिंसा का, धार्मिक झंडा फहराया गया था, उसमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था, उसकी BJP नेताओं से करीबी और तस्वीरें भी वायरल हुई थी, मामला चल रहा था, वो काफ़ी दिनों तक भागता रहा था, और अब खबर आ रही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, हादसे में मारा गया है। सवाल यही उठ रहा है कि ये वाकई में हादसा है या कोई साजिश, उसको यदि हादसा नहीं है तो कौन रास्ते से दीप सिद्धू को हटाना चाहता था। बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं, सवाल हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।